आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं विप्रो स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में टेक्निकली आप देखेंगे तो इस समय बर्ज ऑफ ब्रेकआउट पे ये स्टॉक ट्रेड होते हुए दिख रहा है, और ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड को देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है, और जिस प्रकार से 17,300 के लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, श्योरली 17,500 तक के इजली लेवल्स दिख सकते हैं। आगे के मार्केट के अपट्रेंड रैली में आईटी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा, और आईटी का सबसे स्ट्रॉन्ग शेयर इस समय विप्रो लग रहा है। काफ़ी समय से इसकी डिलीवरी मोर देन 60% तक की दिख रही है, और देखेंगे तो पिछले वन वीक में स्टॉक ने मोर देन 6% तक के रिटर्न्स दिए हैं। ओवरऑल इस स्टॉक के चार्ट को देखेंगे तो एक ह्यूज कंसोलिडेशन बेस फॉर्मेशन अराउंड 410 टू 422 के प्राइस को कंसोलिडेट के बाद इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है। 430 टू 435 के जो प्राइस हैं वो थोड़ा बहुत हर्डल हो सकता है, लेकिन 30 इस समय भी मेरा पर्सनली व्यू है कि अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो पोजीशन बनाए रखें विद स्टॉप लॉस बिलो 418, और फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो क्वांटिटी स्मॉल रखें, और टारगेट मेरा 480 प्लस का विद इन मैक्सिमम वन मंथ के ड्यूरेशन में दिख सकता है। दूसरा स्टॉक हमने कहा था कि NTPC, जिसमें देखेंगे तो डिविडेंड मिलते हुए दिख रहा है अराउंड 30% विच इज 3 रुपीज पर शेयर। टेक्निकली NTPC में भी मेरा व्यू पर्सनली बुलिश है, और NTPC से मैं देखेंगे तो एक मेजर रेजिस्टेंस 158-160 के आसपास ट्रेड होते हुए दिख रहा है। इंट्राडे लेवल में 161 के ऊपर अगर ये स्टॉक मिले तो इजीली बाइंग करेंगे विद स्टॉप लॉस बिलो 158 फॉर टारगेट ऑफ 166 टू 170।